बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ। जैसे प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर और किडनी की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मेरा काम है। लेकिन अभी जो कोविड सर्ज हुआ है और इतने सारे लोग को कोविड हो रहे हैं और लोगों को बीच में कोविड होने का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये आया है कि कोविड वैक्सीन की शुरुआत के बाद कोविड बढ़ी है। कोविड वैक्सीन से कोविड का होने का कोई चांस ही नहीं होता है, क्योंकि जो वैक्सीन जो तैयार की जाती है वो डेड वायरस से तैयार की जाती है या वायरस के पार्टिकल से तैयार की जाती है, वो बॉडी में ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। एक्चुअली जो ये सर्ज जो हुआ है, कोविड सर्ज जो हुआ है, उसकी वजह है जो वायरस में जो आरएनए वायरस होती है, आरएनए वायरस है, आरएनए जो वायरस होती है बड़ा अनस्टेबल होता है और म्यूटेशन का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है इस वायरस में। और जब म्यूटेशन कभी होता है तो इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है पुराने वायरस से। तो ये मिसकंसेप्शन है कि कोविड वैक्सीन के कारण कोविड के केसेज या कोरोना के केसेज हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी ऐसा हो सकता है दी वैक्सीन डू नॉट कॉन्टेन द लाइव वायरस, जिंदा वायरस होता ही नहीं है। जिंदा वायरस नहीं होगा तो कहाँ से कोविड कराएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट यू कांट कैच कोविड 19 फ्रॉम द वैक्सीन, वैक्सीन से कोविड हो नहीं सकता, इसलिए पूरी फैमिली जो भी एलिजिबल मेंबर है वैक्सीनेशन कराएं। यूजुअली इट टेक्स फ्यू वीक, कुछ हफ्ते लगते हैं। यूजुअली टेक्स फ्यू वीक्स बॉडी टू बिल्ड इम्यूनिटी। जब वैक्सीन लगती है तो तुरंत इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती, बॉडी के सिस्टम जो होते हैं इम्यून सिस्टम, उसके रिएक्शन से एंटीबॉडी बनाते हैं या जो सेल होती है लिम्फोसाइट सेल होती है जो कैंसर को जो कि वायरस को किल करती है, उसको एक्टिवेट होने में समय लगता है। दो डोज वैक्सीन लगाने के दो हफ्ते के बाद ही बॉडी में इम्यूनिटी आती है। इसलिए कोई किसी ने वैक्सीन आज लगाया और कल उसको एक्सपोजर होगी कोई पेशेंट से तो उसे कोविड हो सकता है, लेकिन कोविड वैक्सीन के कारण नहीं है। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के दो हफ्ते के बाद इम्यूनिटी आती है, क्योंकि बॉडी का जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उसमें समय लगते हैं, और टी सेल जो बनाता है जो एक्टिव टी सेल लिम्फोसाइट होते हैं जो वायरस को मारते हैं उसको बनने में एक्टिवेट होने में समय लगता है। इसलिए आप ये मिसकंसेप्शन ना रखें कि ये कोविड जो हो रही है वो वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद हो रही है तो कोविड वैक्सीन इसके रेस्पॉन्सिबल है। वैक्सीन ही आपको कोविड से बचा सकता है और जो मास्क है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगाएं और अपने को प्रोटेक्ट करें। वैक्सीन के बाद हल्की फुल्की सिम्टम्स आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कोविड वैक्सीन के कारण कोविड हो गया है। तो आप बिल्कुल ये अवेयर रहें कि कोविड वैक्सीन ही आपको कोविड से प्रोटेक्ट कर सकती है, और इसके साथ साथ आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि कोविड होना बहुत ही हार्मफुल है देन कोई वैक्सीन लगाने से। वैक्सीन ही आपको कोविड से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो और भी कोविड रिलेटेड कुछ वीडियो जो आपको अवेयर करेगी कि आपको कोविड होने के बाद क्या करना है, क्योंकि तुरंत हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिल सकती है, तुरंत डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतने मास में कोविड हो रहे हैं तो बहुत सारी परेशानी है। तो क्या करें, कोविड हो गया हमें, हम क्या करें, इसका प्रोटोकॉल क्या है। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। सिम्टम ज़्यादा हो रही है तो हॉस्पिटल में एडमिट करने होने की जरूरत है, और भीड़ में जाके धक्के के साथ आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको वक्त मिले उसके अनुसार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप अपने में पैनिक क्रिएट ना करें, लोगों में पैनिक ना क्रिएट करें,
जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो वैक्सीन जरूर लें। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी ब्लेस। थैंक यू।